कल लवकुश ढाका में लवकुश यादव की वो श्रद्धांजलि समारोह था। मैं वहाँ पर गंगा पार गया था और वहीं पर मुझे फ़ोन आया कि आपकी ज़मीन को नगर निगम या कुछ किसान यूनियन के कुछ तत्वों द्वारा उसको बराबर कराया जा रहा है। तो मैं वहाँ से सीधे वहीं से चल दिया। वहाँ पर कई हमारे नेता भी थे, माननीय विधायक जी थे। मैंने कहा चलो देखता क्या हुआ। जब मैं वहाँ पर मोड़ पर गया हरी स्वीट के पास, तो नगर निगम की गाड़ियाँ जो है हमारी ईंट को ला करके बाहर ले जा रही थी। तो मैं वहीं से, चूँकि राइफल मेरे पास, कल कोई वो सुरक्षाकर्मी थे नहीं थे रक्षाबंधन कारण, तो राइफल मेरे हाथ की, तो राइफल मैंने पकड़ के नीचे उतर लिया। तो उसी समय वो फिर बाद में थाने पर गया, थाने पर समझाता हूँ, हमारे ईंट को कुछ वापस किया कुछ वापस नहीं किया। नगर निगम का अधिकारी कोई नहीं आया, एक शासकीय अभियंता वहाँ पर आया था और कोई बात नहीं हुई थी। स्वाभाविक रूप से जब सुरक्षा किसी व्यक्ति का कोई सामान ढोएंगे बिना नोटिस के, नगर निगम के लोग मेरी ज़मीन के मेरे ईंटे को उठा ले गए। उनके पास कोई ऐसा आदेश है, जबकि मेरे पास SDM को, अभी मैं देता हूँ आपको, मेरे पास खतौनी में कागज़ है, SDM के आदेश है, FIR मुझे जानकारी अभी नहीं है, मुझे पेपर के माध्यम से हो रहा है। अगर जो कुछ होगी उसको हम जवाब देंगे, उसकी जांच होगी। लोकतंत्र में असलाह रखना कोई अभिशाप नहीं है। मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, चूंकि मेरे सुरक्षाकर्मी उस समय नहीं थे और रक्षाबंधन के कारण सब चले गए थे, चूंकि पार्टी का कार्यक्रम था, मुझे जाना था और मैंने किसी बताया नहीं। मैं वहाँ सामने जब गया तो देखा मेरी ईंटें ला दे। अच्छा बताइए, कोई चोर आपका सामान चुरा के ले जाएगा तो सुरक्षा में आप क्या करेंगे? उसी दृष्टि में खड़ा हो गया था और वो फिर थाने में इसका समझौता भी हुआ और ईंटें हमारी कुछ गिरा दी गई, कुछ उठा ले गए। ठीक।